अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो उन लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने जो है माइक खरीदा था सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस और अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ मिल सके, ताकि आप लोग और अच्छा इन्जॉय कर सकें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने लिया था, और मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि मैंने लिया माइक पहली दफ़ा, कुछ ऐसा जो अपनी ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब करियर के लिए मैंने लिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव बॉट फॉर माई यूट्यूब चैनल एंड फॉर यू गाइस ओनली। तो बगैर टाइम वेस्ट करे मैं चाहता हूँ मैं इसको आप लोगों के सामने ही खोलूँ, आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट करे मिल के इसको करते हैं अनबॉक्स, और फिर इसी वीडियो में इसी माइक को हम टेस्ट भी करेंगे आप ही लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डब्बे को लेते हैं खोल और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा भाई, ये बैग निकला है इसके अंदर से, लग रहा है सारा सामान इस बैग के अंदर ही होगा। और एक ये निकला है, आई थिंक दिस इज़ अ केबल होल्डर, और इसके ये मैनुअल वगैरह टाइप निकले हैं। बाकी डब्बा अंदर से खाली है, इसके अंदर क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका भाई फर्स्ट टाइम जो है न... ओके, तो ये है हमारा माइक और ये केबल, अच्छा खासा लंबा है, ये आई थिंक जैक मोबाइल वगैरह में लगाने के लिए। और ये इसका है बैटरी सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ। देखते हैं भाई इसको, अच्छा यहाँ से खुल रहा है ये। अच्छा ये सेल भी एक लगा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी, वापस करते हैं बंद। अच्छा जी, और क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं, देखते हैं, बस सब खाली हो गया ये है। अच्छा ये तो निकलता है ना, इसको साइड पे करें। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अच्छा ये माइक का होल्डर है, और मतलब कॉलर वगैरह पे लगाने के लिए, और ये है एयर मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको आप माइक के ऊपर लगा दें तो एयर वगैरह से मिनिमाइज होता है। तो चलें भैया अभी सबको ना ज़रा सेटअप करते हैं, इसको लगाते हैं माइक के साथ यहाँ पे, ऐसे ही लगेगा ना। डर लग रहा है मुझे, पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी चीज़ ली है ना। ये ऐसे लग गया यहाँ पे, अब आप लगा सकते हैं अपने कॉलर वॉलर पे, जहाँ पे भी आप लगाना चाहें। तो चलें ज़रा इसको अब आप लोगों के सामने ही टेस्ट करते हैं। बारे मैंने ये भी पढ़ा है कि जब आप मोबाइल या लैपटॉप वगैरह से इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो इसमें सेल की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट पावर होती है। बाकी अगर कैमरे से कनेक्ट करें तो आपको जो है ना सेल की जरूरत होती है। तो खैर अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैंने इसके अंदर जो है अभी ये एयर इसका जो है, क्या भाई मुझे नहीं पता इसको क्या, बाहर हवा चलती है ना, हवा आती है थोड़ 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 तो आप ये लगा लेते हैं, वो आवाज़ नहीं आती। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़रा इसको बगैर इसके टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसको रखते हैं साइड पर, ये अभी मैं माइक पर नहीं लगा रहा, और इसको खोल लेते हैं और इसको लगाते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल के, गलत खोल लिया, अभी तो मैंने खोला था, सही खोला था तब तो। हैं ये क्या होता है, कहाँ हो रहा है भाई। अच्छा तो एक ही तो बात, अच्छा सेल ये रहा यार, अजीब अनाड़ी है ना, पहली दफ़ा लिया भाई मैंने। अच्छा हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई इस बंदे ने इतना सा माइक लिया, इतना सा माइक है, वो भी तार वाला है, कोई वायरलेस नहीं कुछ नहीं है, इतनी जो है ना ये उसकी वीडियो बना रहे हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं वो भाई। तो भाई मेरे लिए जो है ना ये खरीदना भी जो है ना बहुत बड़ी बात है, और
बहुत आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, साइड बाय साइड में ही काम कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैंने अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए लिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और मैं फर्स्ट दफ़ पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, उसमें तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो भाई इसका ये निकाल लेंगे, दैट मीन्स पे पावर आ जाएगी, तो इसको ओपन कर देते हैं। फोन और कैमरा नीचे, अच्छा फोन पे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब बैटरी यूज नहीं हो रही इसकी, ऐसा ही कुछ चक्कर है। हाँ तो हम इसको ना अभी लगाते हैं और यूज करके देखते हैं। पहले पूरा वायर मैं खोल लेता हूँ, ताकि जो है ना वो मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, माइक हमारा कैसा चल रहा है। अब जो है इसका ई वाला पार्ट हम लगाते हैं मोबाइल में, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा भाई, माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, चेक करें। एक सेकंड में वीडियो पॉज करके चेक करता हूँ। हाँ तो भाई, माइक हमने अनबॉक्स कर लिया है, और जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी आवाज़ भी आप लोगों को सही आ रही होगी, अब तो मुझे ज़्यादा ज़ोर से ही बोलना नहीं पड़ रहा। हाँ भाई, आवाज़ सही आ रही है ना, ज़्यादा ज़ोर से भी बोलना पड़ा, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लगा। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त कैमरा मेरे से बहुत दूर है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा मैं बहुत दूर हूँ। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो अभी हम लोगों ने स्पाइसी नूडल चैलेंज भी करना है, तो इसके बाद आप जो वीडियो आप लोग देखेंगे वो स्पाइसी नूडल चैलेंज की होगी, और आई होप कि उसके अंदर भी ये माइक जो है काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा और आप लोगों को एंजॉय करवाएगा। मैं दोबारा से एक बात कहूँगा कि भाई शायद आप लोगों को अजीब सा लग रहा हो कि इतने से माइक की अनबॉक्सिंग वीडियो कर रहा है, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माई व्लॉगिंग इन न्यू वे, और आप लोग भी शायद इसको ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और अभी भी कर रहे होंगे। अच्छा भाई, तो अब माइक की जो है ASMR क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं कुछ बोलूँगा, सिर्फ खाऊंगा और देखते हैं साउंड कैसा आता है, और माइक आप लोगों को अंदाज़ा, कैमरा आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मुझसे कितना दूर है। हाँ तो भाई, कैसी आवाज़ आ रही है आप लोगों ने मुझे बताना है, अभी भी सही आ रही होगी। तो भाई अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों की मोटिवेशन जो वो लोग मुझे दे रहे हैं, मैंने उसको देखते हुए ही ये माइक लिया है आप लोगों को खुश करने के लिए। तो आप लोग कोशिश करें और लोगों में शेयर करें, ताकि और लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग सब मिलके हमारी यूट्यूब फैमिली और ग्रो कर सके, और हम लोग मैं बहुत अच्छा अच्छा सा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ, आप लोगों को इन्जॉय करवा सकूँ। तो वीडियो को बगैर ज़्यादा लंबा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि हम लोग मिलके आपस में मैं और आप ग्रो कर सकें इस कम्युनिटी को, इस फैमिली को। आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो स्पाइसी नूडल चैलेंज की है, जिसमें आप लोग बहुत आई होप एंजॉय कर सकेंगे, एंड आई एम रियली वेरी वेरी स्केर्ड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।